फैसलाबाद लैलपुर दे फिर भी इन्होंने घबराए की चक्कर। मैंने सुना है कि आप जो कुर्बानी है वो खुद करते थे, खाल उतारते थे किसी की खाल उतार। मंसूर कुकिंग बहुत अच्छा करता है और आज शाम को ये हमें इनवाइट कर रहा है और हम जाएंगे इसके घर खाना खाने। बट सिर्फ खाते हैं या खिलाते भी हैं? नहीं जी, बट खिलाते भी हैं। आपको पता होना चाहिए गुजरा वाला की बट ऐसे तो छोड़ती नहीं होंगी। टचोला सीडे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। कोशिश करो और हमारे ऑडियंस को आज बकरे की आवाज निकाल के। ये बकरा जिबा होता हुआ बता रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं। घर में खाना पक रहा है वहीं से। हाँ जी, घर में मियां है ना। अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइज और मैं हूं ताहिरा अली और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि बड़ी ईद नाम है कुर्बानी का और ये दिन हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है और इस दिन का मकसद ये है कि कुर्बानी के मौके पर हम उन लोगों का ख्याल रखें जो इसकी इस्तेआत नहीं रखते। ताहिरा, आज सब लोग अपने घरों में कुर्बानी का फर्ज निभा रहे हैं और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। वहीं पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में मौजूद पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उन पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से जानते हैं कि ड्यूटी के साथ वो अपनी ईद कैसे मना रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनसे मजे मजे के वाकयात भी सुनते हैं। जी फाइक, नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान साहब से, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीओओ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद कामरान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ईद के रोज़ यहाँ पर मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे हैं, इसहार और कुर्बानी के जज्बे से सरचार होके, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उनका जज्बा जी काबिल तहसीन है। हमेशा की तरह इस ईद के मौके पर भी, ये ईद कुर्बान के मौके पर भी अपने घर बार से दूर और यहाँ पे आवाम की हिफाजत के लिए कैमरों के ज़रिए जो 15 पे कॉल्स आ रही हैं उनको अटेंड करने के लिए सही मानों में जो कुर्बानी ये दे रहे हैं और अपने अजीज़ और अकारब से दूर यहाँ पे बैठ के और सारा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लाहौर में कुर्बानी के हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो सपोर्ट चाहिए होती है वो सारी यहाँ से सपोर्ट ये दे रहे हैं। यकीनन काबिल तहसीन इनका जज्बा और ऐसी ड्यूटियाँ जो बाहर पब्लिक को नहीं पता लगती कि कौन कौन से लोग ऐसी ड्यूटियाँ ऐसे मौके पे कर रहे हैं और वो लोग खुशी अपने बहन भाइयों के साथ अजीज़ और अकारब के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है और ये सही मानों में जो इस ईद की ईद कुर्बान की जो स्पिरिट है, जो रूह है, कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, मैं समझता हूँ कि उस जज्बे के तहत इनकी ड्यूटी उस फ्रेम में आती है और अल्लाह ताला इनको इस नेक जज्बे की और इनकी हिम्मत की और इस कुर्बानी की इनको जज़ा दे। सर, ईद कुर्बान का जब भी जिक्र आता है खाने पीने की बात तो दिमाग में ज़रूर आती है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपकी फेवरेट हो जो आप ईद पे बनवाते हैं? बचपन से जी जो क्या फेवरेट डिश करें, बस होता था कुर्बानी होती थी। कुर्बानी के बाद जो घर में हमारे हमेशा से एक वो कलेजी को भून के दिया जाता है स्पेशल, कलेजी का स्पेशल एक खाना होता है जो बाद में जो भी बकरा उसने खाना छाना बनना है उसका जो सालन छालन जो भी होगा, लेकिन एक फौरी तौर पे वो भुनी हुई कलेजी आती है और वो सारे बैठ के उसको खाते हैं। तो सर, कभी खुद कुछ नहीं बनाया आपने कि घर वाले बनाते हैं हमेशा से? नहीं, खुद कभी नहीं बनाया, लेकिन ये कि कुर्बानी के टाइम पे साथ खड़े होना, पहले तो शुरू में बचपन में डर लगता था तो बकरा देखा नहीं जाता था ज़िबा होते हुए, तो अब यह है कि साथ पहले हाथ लगा के भागाते थे और फिर जब बकरा लटक जाता था फिर जाके दोबारा उसका गोश्त बनते हुए देखते थे, लेकिन अब तो मौके पे मौजूद रह के अपने सामने उसको तकबीर रात वगैरह सारी करना जो है वो खुद किया जाता है। सर, बचपन में अक्सर शौक हुआ करता था कुर्बानी के जानवर का कि घर लेकर आए, उसको घुमाएं फिराएं, गलियों में लेकर जाएं और उसको सजाएं, कभी आपने ऐसा किया था? बड़ी दफ़ा होता था। बकरा स्पेशल ज़िद करके पहले मंगवाया जाता था कई कई दिन पहले के जी, वो क्योंकि मोहल्ले में इलाके में जहाँ कहीं रहते हैं और किसी एक आधे का आ गया तो वो बच्चे शो मारते थे कि जी हमारे पास आ गया। फिर एक बड़ा ये होता था कि जी वो साइज़ भी उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, हमारा बकरा छोटा है, सारे बच्चे आपस में मजाक उड़ाएंगे। फिर शाम के टाइम पे बकरा परेड हुआ करती थी, सारे जिन जिन के घर नहीं आया उनको चढ़ाने के लिए और अपने बकरों को घास चास खिलाने के लिए, नीम के पत्ते तोड़ने, जहाँ जहाँ टहनियाँ बाहर होती थी
सारे छुगल मेले जो बच्चे करते हैं, सजाते भी थे जी, उसको सजाते भी सजाते भी थे, बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े, किसी एक की तरफ को देख लेते थे ना तो अगले होता था कि हम भी अब कोई नई चीज करके दें उसमें, वो हमारा बकरा उसमें नुमाया हो और सारे कहेंगे आपका बकरा सबसे अच्छा है, साइज में सबसे बड़ा है, तो वो एक जो बच्चों में मुकाबले का एक चलता है सिलसिला चलता है उसमें बिल्कुल उस फेज से हम गुजरे हैं। सर तो अभी आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, मतलब बकरा अभी भी पहले आ जाता है या फिर वो चांद रात पे आए और बस कुर्बानी कर ली, वो वाला जज्बा या वो वाला शौक नहीं रहा? वो नहीं रह गया बिल्कुल, और उस तरह ना अब प्रोटेक्टिव ज़्यादा कवर आ गया है, बच्चे उस तरह नहीं निकलते, वैसे अब हम लेते भी बिल्कुल एक आध दिन पहले हैं बच्चों को, उसको हैसल जो है उसकी सारी चीज़ों में नहीं पड़ते, तो एक दिन पहले दो दिन पहले मैक्सिमम वो बकरा आता है, तो एक आध दिन का शौक है, हम तो दस दस दिन पहले महीना महीना पहले बकरा आ जाता था, बाज़ का इसलिए पहले ले लिया करते थे कि जी कीमत कम है तो अगर बिल्कुल बकरा ईद के करीब जाएंगे तो वो होगा, तो अब तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो अगर ले भी लिया है तो गांव में वो खड़ा हुआ है तो बिल्कुल एक दिन पहले दो दिन पहले वो आएगा, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता। सर आज ईद का दिन है और आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कभी घर वालों ने नाराज़गी शो नहीं की कि आप ईद वाले रोज़ ड्यूटी पर चले जाते हैं? देखें ये जो ड्यूटी है ना सेफ सिटी की, ये उस ड्यूटी से जो हम फील्ड में करते रहे, मैं पिछली ईद में भी ये जिक्र किया था कि वो तो पूरा पूरा दिन हमें बाहर रहना पड़ता था, यहाँ पे कम से कम इतनी अच्छी टीम है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आता हूँ ईद का एक मौके पे सबसे घुल मिलने के बाद, हम उनका जो जज्बा है जिसके तहत वो दूर बैठे हुए हैं, कम से कम उनको ये एहसास दिलाना कि इस मौके पर हम उनके साथ ज़रूर खड़े हैं करने के बाद मुझे मौका मिल जाता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो फील्ड में ड्यूटी होती है उसमें यकीनन पूरा पूरा दिन भी आपको बाहर रहना पड़ता है, जो ड्यूटीज चल रही हैं बाहर उनको मॉनिटर करना है, जो शहरी बाहर आ रहे हैं पार्कों में आ रहे हैं वो एक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उस वाले से मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, दफ्तरों में बैठना पड़ता है। सर लेकिन बहुत से पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनकी कौम के लिए इस कुर्बानी को कैसे देखते हैं? रूमी मैंने कहा कि इनके जज्बे को सराहने वाली बात है कि अपने घरों से दूर जिस दिन इनको छुट्टी मिल भी जाएगी, कोई आज चला ईद करके चला जाएगा कल कोई दूसरे दिन चला जाएगा, एक प्लान हमने जिस तरह आपको पता है बनाया हुआ है कि इसमें जो आज ड्यूटी कर रहा है वो कल जा सकता है, जो दो दिन कर रहा है उसको एक्स्ट्रा हम कुछ ऑफ से कंपनसेट करेंगे कि वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पहला दिन होता है असल खुशी का दिन तो वही होता है, नो डाउट टरू मरू हम ईद पूरी करते हैं उसमें, लेकिन जो पहले दिन की कुर्बानी दे रहे हैं और आज अगर ट्रैवल करके दूर दराज के इलाकों में भी जाएंगे, को मुल्तान जाएगा, को पिंडी जाएगा, को फैसलाबाद, इवन डीजी खान तक के बच्चे हैं ये, तो आधा दिन तो इनका आधा या पौना दिन तो जो अगला ईद का तो ट्रैवल में निकल जाएगा, तो वो उस लिहाज से इनका जज्बा काबिल स्ताइश है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और एक दफा फिर सर को, सर आपको बहुत मुबारक आप लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर एहसान, उनसे बात करते हैं। एहसान आपको ईद मुबारक, कैसा गुजरा है आपका आज का दिन? बस ये यूनिफॉर्म में गुजरा है, कपड़े पाने की जो ख्वाहिश है वो इधर की इधर ही रह गई है, लेकिन कौम की खिदमत कर रहे हैं तो इससे बड़ा अच्छा फील हुआ है, पता नहीं चला ईद कब आई और कब गुजर गई। नहीं तो अपने अपने घर जाके ईद के कपड़े नहीं पहने? नहीं जी, यहाँ पे देखे ना जी लोगों के बकरे चोरी हो गए हैं, वो किसने तलाश करके देने हैं? मतलब यहाँ से जाने के बाद जाके बकरे तलाश करने हैं? बकरे देखे हम भी तलाश करके देंगे, अगर हमारी वजह से लोगों की कुर्बानियाँ हो रही हैं, कोई कसाई किसी के साथ फ्रॉड करके चला गया है, कोई किसी की बकरा लेके चला गया है, मंडी में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, नकली नोट लोगों दे रहे हैं, फेक करेंसी बड़ी चल रही है, तो हम नहीं होंगे तो लोगों की खिदमत कौन करेगा? अच्छा तो मुझे ये बताओ, यहाँ से जाते हो 2 बजे तो जाके फिर कुर्बानी में फादर का हाथ बटाते हो, खुद कुर्बानी करते हो? हम ईद के तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं, यहाँ पे दोस्त होते हैं उनके साथ हम कुर्बानी करते हैं, लास्ट टाइम तो मेरी जो है ना इवनिंग शिफ्ट थी, नाइट शिफ्ट थी, तो मॉर्निंग में हमें टाइम मिल गया था, ये मेरे दोस्त साथ गए थे तो इन्होंने हमारे साथ सफाई भी की थी, आधे कसाई हम खुद बने थे। मतलब ये कि दोस्तों से सफाइयों वाले काम भी लेते हो? जी ऑब्वियसली, सफाई नहीं उसमें मान है तो गोश साफ होगा तो हम खाएंगे ना। अच्छा सही है, मतलब कोई भी काम बाहर से नहीं करवाना, कटिंग नहीं, कसाई बाहर से आते हैं क्योंकि हम मैकेनिक थोड़ी हैं। अच्छा सही है। अच्छा फाइक, मैंने सुना है कि ऐसे में जानवर की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं? जी वो मलट्ठी खाने से पहले निकाल लेते थे, अभी मलट्ठी खाना छोड़ दी है। थोड़ी सी कोशिश करो और हमारे ऑडियंस को आज बकरे की आवाज़ निकाल के। अच्छा भाई, अभी हमारे साथ अजमीरा मौजूद हैं जो कि खुद भी बहुत खुश रहती हैं और दूसरों को भी बहुत खुश रखती हैं, जानते हैं कि इनकी ईद यहाँ पे कैसे गुजर गया, और वैसे भी ये बट हैं तो इनके बारे में मशहूर है कि खाते पीते बहुत है, कैसा लग रहा है घर में खाना पक रहा है और अजमीरा यहाँ पे कॉल्स ले रही है? थैंक यू तायरा, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती भी हूँ, वाकई रखती भी हूँ, घर में खाना बहुत अच्छा बन रहा होगा, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, बट ड्यूटी है, लोगों की भी खिदमत करनी है, हम लोग इधर हैं, अब खाना घर से बनेगा, इधर आ जाएगा, मेरे लिए सबके लिए आएगा। इधर पहले आपने कहा मेरे लिए आएगा, बट सिर्फ खाते हैं या खिलाते भी?
निजी बट खिलाते भी हैं, आपको पता होना चाहिए गुजरा वाला की बट ऐसे तो छोड़ती नहीं होंगी। आज ताहिरा आपके लिए खाना लाजमी आएगा जी, जरूर इधर ही आ जाएगा या मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं इधर ही आएगा, सब मिलके खाएंगे इधर। सही है, मतलब ये कि आपने ये सोच लिया कि कुकिंग खुद नहीं करनी, घर में खाना पक रहा वहीं से आ जाएगा। हाँ जी घर में मियाँ है ना, खाना कुक कराती हैं अजमीरा, वाकई कभी कभी कर ले तो कोई मसला नहीं है, वैसे कर लेनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा ना घर में मियाँ है ना, तो बेचारा इस वक्त कुछ ना कुछ बना ही रहा होगा। सारी बाजन की बेगम ड्यूटी कर रही है आके, अब उन्हें कुछ हाँ वो छुट्टी पे, उनको छुट्टियाँ मिली है, कोर्ट उनके बंद है, उन्होंने घर ही बैठना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जकरिया, उनसे बात करते हैं। जकरिया आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप हमें बताएं कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में जो लोग हैं वो सराइकी बोलते हैं। जी बिल्कुल सराइकी। तो हमारे नाजरीन को इस वक्त आप सराइकी में विश करें ईद को। साढ़े एक बहनी भरावान को PSEA के तरफों, साढ़े तरफों पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के तरफों ईद मुबारक, वड़ी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। सराइकी के जो गाने हैं वो बड़े फेमस होते हैं, कोई हमें गाना सुनाए, आज ईद का मौका है तो कुछ सुना दें ऐसा, कोई ढोला वाला गाना, कोई मतलब अब मुझे इतनी नहीं आती। किसी को आप कुछ विश करना चाहें या किसी के नाम कोई गाना? नाम तो किसी के नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है आपका। लगारी साहब और फरहान साहब को विश। चिट्टा चोला सीडे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला मंगाया बारू रोंदे आए हैं ढोले दे शहरू, चिट्टा चोला सीडे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ताहिरा हमारे साथ, मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी तैयार होके आए हैं अली, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पहले भी कभी इस तरह से खूबसूरत लगे हैं? जी बहुत शुक्रिया फाइक, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, आज ईद का पहला दिन है और दिल तो बहुत कर रहा है कि घर चला जाऊं, लेकिन बाबा आप लाहौर के नहीं? जी मैडम मैं लाहौर का नहीं, मैं फैसलाबाद से हूं। अली फैसलाबाद से? जी मैडम। तुसी फैसलाबाद दे लैलपुर दे हो, फिर भी इन्हें घबराए की चक्कर है? नहीं नहीं घबराए तो नहीं हुए, लेकिन आवाम की खिदमत भी तो करनी है। हाँ, इस तो बावजूद फिर भी, लेकिन असी ईद के बावजूद असी इतने आए हुए हैं, तो लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं असी उन्होंने यानी कि खिदमत करने इतने आ जाते हैं। अब 3 साल हो गए हैं लगातार मैं यहीं पर ईद कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं अब कुर्बानी खुद नहीं कर पा रहा, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगले रुलाओगे क्या? नहीं आप दोस्तों ने आप बात इस तरह कर रहे हैं कि आंखों में आंसू ही आ रहे हैं। साथ कैसे हैं आप, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ईद के दिन, ड्यूटी कर रहे हैं साथ में, आज ईद कुर्बान भी है और घर जाके आपने कुर्बानी का गोश्त भी खाना है या बनाते भी हैं? जी रात को बारबेक्यू सीन होता है, सब दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो फुल नाइट पार्टी सीन होता है, क्योंकि अभी मॉर्निंग चल रही है तो हम नाइट शिफ्ट में इधर नहीं होंगे, घर होंगे। साथ अभी शिफ्ट यहाँ पे करके और रात में जाके फ्रेंड्स से बारबेक्यू करते हैं, मतलब दोनों काम एंजॉय करते हैं ड्यूटी के साथ। जी बिल्कुल साथ। अभी तो आप इस वक्त ड्यूटी पे हैं, और जब आपकी घर ही हुआ करती थी तो आप, मैंने सुना है कि आप जो कुर्बानी है वो खुद करते थे, खाल उतारते थे, किसी की खाल उतारना, लेकिन ये आप बकरे की या गाय की उतारते थे? जी बिल्कुल, मेरे जो अबू है वो हमसे सारा काम खुद करवाते थे, तो मोस्टली बकरे की खाल हम उतार लेते थे, बड़े की वही उतारते थे कसाई। कसाइयों के रेट्स पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हाँ जी इसलिए उनके साथ हेल्प हो जाती है, तो खुद ही खा लो। कभी सोचा नहीं कि मैं खुद कसाई बन जाऊँ और जाकर वो अर्निंग करूँ? हाँ बड़ी दफ़ा प्लान आया दोस्तों से मिलकर, हमने प्लान बनाया कि हम अपना गैंग बनाते हैं फुल, और लोगों की खाले उतारते हैं। लोगों की खाले उतारनी है या लोगों के जो कुर्बानी के जानवर उसकी खाल उतार? मेरा मतलब कुर्बानी के जानवरों की खाल। जीशान कैसे हैं आप, ठीक हैं? कैसा लग रहा है ईद का दिन है और आप इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं अजीब नहीं लग रहा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, और ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है मेरा। बाकी आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा कुर्बानी पर आप क्या लेकर आए हैं? कुर्बानी पे ज़ाहिर सी बात है घर में जो बनता है कुर्बानी का गोश्त वही थोड़ा सा बना के वो बना कर लेकर आए। मैंने वैसे जानवर की बात की थी। अच्छा बचपन में जब कभी जानवर आया करता था उसको आप जब बाहर लेके जाया करते थे, सजाते थे, कुछ ऐसा वाक्य शेयर करेंगे बचपन का जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे उस जानवर को लेकर? जी बचपन में शौक़ होता था कि कुर्बानी का जानवर है उसको सजाना है, उसको बाहर लेके जाना है, तो घुमाते फिराते थे, और जब ज़िबा होने का टाइम आता था तो थोड़ा सोचते थे, रोते भी थे। अच्छा शायद ऐसे भी होता था कि कुछ कभी कभार बच्चे जब उस जानवर को बहुत घुमाया फिराया उसे बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट होगी तो फिर उसका गोश्त नहीं खाते थे, तो क्या आप भी ऐसा करते थे, खा लेते थे कि खैर अब तो कुर्बान हो गया खाना है? नहीं वो गोश्त खा लेते थे। अच्छा गोश्त खा लेते थे, दो अपनी जगह लेकिन गोश्त खा लेते थे। जी गोश्त खा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, ईद मुबारक बहुत बहुत आप। खैर मुबारक फाइक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ऑफिस में?
अच्छी गुजर रही है। ड्यूटी के साथ साथ घर को भी देखना पड़ता है, सो मिस कर रहे होते हैं फैमिली को भी, लेकिन अच्छी गुजर रही है। अच्छा आयशा, आप तो मैरिड हैं, तो ससुराल वालों की तरफ से बड़ी डिमांड आती होंगी कि अब तो ईद कुर्बान हैं और मज़े मज़े की डिशेज़ में बना के सिखाएँ, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? हो जाता है मैनेज, यही है कि ऑफिस से ड्यूटी के बाद घर जाके फिर कोई ना कोई स्पेशल डिश बना लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं साथ में, उनके साथ ईद सेलिब्रेट हो जाती है। स्पेशल डिश की अगर फरमाइश आती हो ईद के दिन में कि फर्स्ट डे में ये वाली चीज़ तो ज़रूर बनानी है, पहले से डिसाइडेड होता है कि ये पहले दिन ये बनेगा, फिर दूसरे दिन ये, तो फिर हमें अपने स्केड्यूल को फिर फॉलो करते हुए वहाँ भी हम ड्यूटी पे ही होते हैं। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक मेरी तरफ से। खैर मुबारक। अब्दुल्ला, बचपन में बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि जब ईद कुर्बान आती थी तो घर में बकरा या गाय लेकर आते थे, तो बहुत इंसान पुरजोश होता था, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा वाकया ज़रूर होता था जो कि आपको याद रहता था। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ? बच्चे में तो काफ़ी वाकया हुए हैं, वो भी याद नहीं है। अभी रिसेंटली जो लास्ट ईद गुजरी थी, मैंने बकरा लिया था, उसके लंबे लंबे बाल थे वाइट कलर का, तो वो दो दिन पहले ले कर आके घर में बांधा। हुआ क्या कि हमारे घर में शोकेस था शीशे वाला ना, तो वो उसके पास ही था, तो हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू होगी ना जब बांधा। हाँ, रात के टाइम में। तो हमने जाके देखा, वो अपने आप को देखा शीशे में, वो छलांगे लगा रहा है और लाते भी मार रहा है। अच्छा, तो वो बाजी ना है, उसको खींच के पीछे करो कान से दोबारा वहाँ चला जाए। उसको अपने जैसे कि खूबसूरत हाँ, बकरी नजर आ रही थी साथ। यहाँ से उसको यहाँ से वो एंड मैरिड था इसीलिए। अच्छा, तो फाइक अभी हमारे साथ मौजूद है बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर शाइस्ता, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। अच्छा शाइस्ता, मुझे बताएं कि अभी आप घर से आई हैं, मैरिड है? जी मैरिड है शाइस्ता। घर से आई हैं, क्या बना के आई हैं और अब जाना है तो क्या बना लें? मैं घर से आते हुए स्वीट बना के आई हूँ और अब जाऊँगी तो कुछ भी रेसिपी बना लूँगी, कुर्बानी हो चुकी होगी तो। कोई फेमस रेसिपी या हमें कोई क्विक सी रेसिपी आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? ऑडियंस से शेयर करती हूँ, मैं जो सुबह स्वीट बना के आई हूँ वो शेयर कर लेती हूँ। सो मैंने स्वीट बनाई थी, सोइयाँ थी वो ना, बेसिकली जो कलरफुल सोइयाँ होती हैं आपको पता होगा, उसमें पहले मैंने कस्टर्ड बनाया, उसमें सोइयाँ उबाल के डाल दी, साथ कॉकटेल डाला, साथ जेलीज डाल के, और एक बहुत मज़े का कलरफुल सी चीज़ बना के। तो वो हमारे लिए देखे आएंगे मुझे। फाइक को खाने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल। यही सवाल करने वाला था कि बस सही, अभी हम ना शो के बाद आपके पास आ रहे हैं और मीठा खा रहे हैं, दिन का आगाज़ हमने बिल्कुल। मंसूर, कैसी गुजरी आपकी? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है ईद, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना हुआ है और तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं, हर दफ़ा मैं ऑफिस में ईद इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोस्तों के साथ गैदरिंग अच्छी हो जाती है और लोगों के साथ उनके साथ इंटरेक्शन होता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसकी वजह से हमारी ईद अच्छी गुजर जाती है। अच्छा ताहिरा, मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, आपने बहुत सारी फीमेल पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से सवाल किया कि कुकिंग करती हैं आप, तो लड़के भी कुकिंग करते हैं, मैंने सुना है कि मंसूर कुकिंग बहुत अच्छा करता है और आज शाम को ये हमें इनवाइट कर रहा है और हम जाएंगे इसके घर खाना खाने, ऐसा है? आज की दावत हमारी मंसूर की तरफ। हाँ बिल्कुल, आज आप सबकी दावत मेरी तरफ से। हाशिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और कैसा लग रहा है, ईद का दिन है और आप ड्यूटी कर रहे हैं? ईद का दिन है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले अपनी ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ताकि लोग ईजिली अपनी ईद को इन्जॉय कर सकें बगैर किसी डर के। एक्साइटमेंट कितनी होती है? बड़ी ईद की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि मतलब फर्स्ट डे खास तौर पे जब कुर्बानी होती है उसके बाद गोश्त वगैरह खाया जाता है, कलेजी वगैरह, कलेजी का नाश्ता होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी हमारे साथ वलीद मौजूद है, आइए जानते हैं कि ईद कुर्बान ऑफिस में वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे वलीद बताएं कि ईद आपके ऑफिस में कैसी गुजर रही है? जी बिल्कुल, घर वालों की याद तो आती है क्योंकि हम जो है ना रहीमयार काम से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ड्यूटी कर रहे हैं तो कुर्बानी की ईद है तो हम लोगों के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम जो है ना अपने 8 घंटे जो है ना वो काटने और हम ड्यूटी पे गुजार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक तो ये जो हमारा अपनी फैमिली है वो फैमिली है और ये ऑफिस के कोलीग्स जो हैं ये भी हमारी अपनी फैमिली है, तो हम इनके साथ भी बिल्कुल हंसी खुशी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है।